जय भाइयों, कैसे हो भाइयों? मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल आप पहली बार तो लाइक करें और बेल आइकन का सब्सक्राइब भी करें। तो भाइयों, आज बात करते हैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का नेक्स्ट वीडियो बनाया था मैंने, तो वर्कआउट टू बताया था आप लोगों को। कमेंट था भाइयों, वर्कआउट बताओ, तो मैंने वर्कआउट टू यूट्यूब से बताया था। भाइयों, आज वीडियो बना रहा हूँ मैं, आज टॉपिक है बना इंडियन आर्मी सांस। आप रनिंग करते हैं तो सांस कैसे लें, उस टॉपिक के ऊपर मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। तो भाइयों, ये तो अपना अलग अलग नजरिया है, कोई धावक कैसे करता है, कोई धावक कैसे रनिंग करता है, अपना अपना अलग है, अलग अलग नजरिया। हर बंदे अलग तरीका सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इससे अपने कोई भूल पाता। तो भाइयों, मैं आपको सही डिटेल से बताता हूँ, कुछ सच्ची जानकारी बताऊंगा पूरी। भाइयों, वीडियो पूरा देखे, बीच में ना छोड़ेंगे, कुछ समझ में आपको आएगा नहीं। क्यों भाइयों, मैं बताता हूँ, सच बताता हूँ, मैं कभी आपको बताऊंगा नहीं। भाइयों, आज का टॉपिक है अपना सांस। इंडियन आर्मी 1600 मीटर की तैयारी करते हैं अपन, तो अपन तो सांस कैसे लें, आज इसके बारे में अपन कुछ बेसिक बेसिक जानकारी बताते हैं। तो भाइयों, अलग अलग तरीका है, तो भाइयों मैं आपको बताता हूँ सांस कैसे लें। तो भाइयों, सांस के आप पहले तो आप कि कोई बंदा बोलता है कि मेरी सांस भाई फूल जाती है, ऐसे पैरों में दम होती है फिर भी रहने नहीं दे पाते, तो सांस फूल जाती है भाइयों, क्योंकि अभी दो चक्कर दिए हैं, पैरों में दम है देने के लिए पर सांस भूल गई। तो अब क्या करें भाई लोग बोलते हैं, अब क्या करें, सांस भूल गए, रनिंग अब तो दिल नहीं रही है, वो दम तो है शरीर में पर सांस भूल जाती है। तो भाई, मैं आपसे वीडियो पूरा देखें और मैं आपसे पूरी डिटेल में सब बताऊंगा, पूरी डिटेल से कैसे कैसे क्या करना है। तो भाई, आज का टॉपिक है अपना रनिंग, मतलब कैसे सांस लें, कैसे छोड़ें, तो उस पर टॉपिक पर आज हम चलते हैं। चलो भाई, उस पर चलते हैं। तो भाई, रनिंग अपन पहले ग्राउंड में जाते हैं, तो ग्राउंड में अपन रनिंग के लिए जाते हैं, तो ग्राउंड में आपको पहले भाइयों डायरेक्ट रनिंग नहीं देनी है, मैंने उस वीडियो में बताया था आपको, इसमें आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहले जाना ग्राउंड, तो ग्राउंड में आपको डायरेक्ट रनिंग नहीं देनी है, कोई भी बंदे होते हैं डायरेक्ट रनिंग देते हैं ग्राउंड में जाके, वो बेवकूफ भी उनकी बहुत बड़ी, वो जात के में ऐसे जाते हैं कपड़े तारे ग्राउंड में स्पीड में 1600 मीटर लगा दी। नहीं भाई, पहले आपको जाना है ग्राउंड में, पहले कपड़े तारना है अपने मुंडे के, अपना मुंडा है उसके फीते टाइट करने हैं, अपने सब एक्सरसाइज वगैरह अपनी बॉडी ने गर्म करनी है, एक्सरसाइज करके अपनी थोड़ी बहुत ऐसे मैं ऐसे करना 10 से 12 मिनट एक्सरसाइज करके अपनी, फिर आपको क्या करना है, आपको जॉगिंग टाइम में 4 चक्कर देने हैं, जॉगिंग टाइम में तो स्लो स्लो, तो आपको ऐसे स्लो स्लो देने हैं 2 मिनट के लगभग, स्लो स्लो जॉगिंग टाइम पे देने हैं। तो क्या है, जॉगिंग टाइम पे आप दोगे तो उसके बाद 4 चक्कर देने हैं आपको, 4 चक्कर देने के बाद बढ़िया आराम से अपने कपड़े निकालो, कपड़े निकाल के बढ़िया अपने अच्छी तरह से अपनी बॉडी अच्छी हो जाती, उसके बाद अपने रनिंग देने के लिए स्टार्ट हो, वहाँ पर आओ ग्राउंड में, फिर अपन आ जाओ वहाँ से। तो फिर अपन अब बात यहाँ आती है कि सांस कैसे लें, कैसे छोड़े, टॉपिक तो यहीं आगे लग जाता है। तो बंदे क्योंकि बहुत से बंदे हैं सांस लेने भी जानते नहीं, कैसे छोड़नी कैसे लेनी है, तो आपको मैं बताता हूँ बेसिस। आपको 1600 मीटर की रनिंग देनी है, तो सांस नाक से सांस लेनी है नौकर के और थोड़ा मुंह से सांस छोड़नी है थोड़ी, वैसे वैसे सांस वैसे बेनिफिट तो आपको नाक से ही लेनी है, नाक से छोड़नी उसमें अच्छा मिलता है, फिर भी कोई बंदा नहीं रुक नहीं पाता ज्यादा दिक्कत आ रही, तो वैसे सांस लेनी है और छोड़नी, वैसे कोशिश नाक से कोशिश करें, नाक से बहुत बेनिफिट मिलता है छोड़ने की। कोई 1600 मीटर में अपन सांस की भी ज्यादा देर रोक नहीं पाते, सांस मुंह से भी धीरे करके जो छोड़े चले, पूरा मुंह नहीं खोलना है, मुंह खोलना आपको लग रहा है कि अपने थोड़ा 50 बचा है एंड पे, उस पर आप बेनिफिट ऐसे अपन नहीं लग रहा है, अपन स्टार्टिंग में जा रहा है तो मुंह खोल सकते हैं उसमें हम सब दोनों कर सकते हैं, नाक से भी और मुंह से भी। और 1600 मीटर वैसे ग्राउंड में दे रहे हैं आप अपने होम अपने ग्राउंड पर, तो क्या करना है आपको, आपको रनिंग पूरी सांस लेनी है, वो आधी सांस नहीं पूरी सांस, ऑक्सीजन उसमें जाता है तो हमको भी बेनिफिट मिलता है, मगर सांस लेके ना छोड़ देंगे ग्राउंड में। और बहुत से बंदे होते हैं रनिंग देते हैं वो नहीं दे पाएंगे रनिंग, उनका कुछ नहीं हो पाएगा, उनको टाइम लगता है भाई। अब भाई अपन फास्ट दे रहे हैं तो इस तरीका से देना बता रहा हूँ आपको, हम वैसे भी कोशिश कर रहे हैं, एक चक्कर बचा लास्ट में नहीं दिख रहा है, थोड़ा कर सकते हैं थोड़ा, और ऐसे लंबी अपन रनिंग दे रहे हैं लंबी रनिंग, तो अपन लंबी रनिंग में क्या करें, कोशिश करें ज्यादा तो नाक से लेना नाक से छोड़ना, लंबी में तो अपन ऐसे देते हैं तो नाक से
ऐसे करना, और अपन कैसे दे रहे हैं 1600 मीटर की अपन दे रहे हैं टाइमिंग लगा के, तो टाइमिंग अपन कैसे देना है पहले तो कोशिश करनी है, नाक से नहीं हो कोशिश तो एंड पे बचता है, थोड़ा सा मौका भी प्रयोग करें, वो पूरा नहीं करना है आपको हम लोग करके, नहीं थोड़ा पूरी सांस लें तो उसमें अपने फेफड़े और इसमें हमको वो बेनिफिट मिलता है ऑक्सीजन जाती है। तो भाइयों मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, इसे करके देखो आपको बेनिफिट मिलेगा, और मौक होने की रनिंग नहीं देती। और भाइयों आप भर्ती आने वाली है उसके विशेष ध्यान दें, मैं आप लोगों से इस बात का नवंबर में या दिसंबर भर्ती आ जाएगी एमपी की, क्योंकि मुझे इसलिए बताया राजस्थान में और यूपी में भर्ती आने लगी है, रोटेशन डर गया है और हमने भी भर्ती चालू होने वाली है। भाइयों अपनी तैयारी लागें, तैयारी बंद ना करें। भाइयों वीडियो ने थोड़ा लेट हो गया बनाने में, दिक्कत आ गई थी प्रॉब्लम घर में इसलिए दिक्कत, तो भाइयों आपको कॉन्फिडेंस वीडियो मिलेगा। कल कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे, आज अपने टॉपिक बताया 1600 मीटर रनिंग कैसे सांस लें कैसे छोड़ें, इसके लिए जय हिंद।